दोस्तों, आज के दौर में पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, और इसके बारे में हम शायद ही कुछ करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो आज इस सोच को बदल रहा है। वो अकल ही ऐसा कुछ कर रहा है जिसके बारे में सोचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज मैं आपको हमारे देश के एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जिन्हें दुनिया के लोग फॉरेस्ट मैन के नाम से जानते हैं, और उनका कहानी अमेरिका की ग्रीन हिल स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूं। फॉरेस्ट मैन नाम से ज्यादा परिचित इस आदमी का असली नाम है जादव मोलाई, जो असम की जोरहट की एक गाँव में रहते हैं। इस गाँव के पास से विशाल ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। जादव बचपन से एक नेचर लवर था, अर्थात वो पेड़ पौधे और जंगली जानवर से बहुत प्यार करता था। जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने देखा कि उनके गांव के आसपास पशु पक्षियों की तादाद घटती जा रही है। जब इसका कारण वो अपने गांव के दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लगातार पेड़ काटने की वजह से जंगल घट रहा है, और इसी वजह से जंगली जानवर का मौत हो रही है। फिर एक दिन जादव ने देखा कि बहुत सारे सांप नदी के किनारे एक बंजर टापू पर मरे पड़े हैं। उस टापू पर कोई भी पेड़ ना होने की वजह से सांपों ने अपने आप को नहीं बचा पाए। इसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इसके बाद जादव ने उस बंजर टापू पर पेड़ पौधे लगाने की फैसला किया, लेकिन एक 16 साल की बच्चे के लिए ये काम आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मदद के लिए फॉरेस्ट ऑफिस में जाते हैं और उन्हें उस टापू पर कुछ पेड़ लगाने को कहते हैं, और ये भी बताया कि पेड़ों की ना होने की वजह से वहाँ की जानवरें मर रही है। लेकिन वन विभाग वालों ने कहा कि वो बंजर जमीन है और वहाँ कुछ भी नहीं उग सकता, अगर वो चाहे तो कुछ बांस की पौधे लाकर देख सकते हैं। हालांकि वन विभाग वालों ने ये बात मजाक में कहा था, लेकिन 16 साल की जादव इस बात को सीरियसली ले लिया। उसके ठीक अगले दिन ही वो करीब 30 पौधे लेकर उस टापू पर पहुंचे। उसने ठान लिया कि वो जंगल बनाकर ही छोड़ेगा। कुछ दिन के बाद वो वापस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा कि बांस की पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं। इसके बाद से वो रोज 40 से 50 पौधा लगाता था। देखते ही देखते वहां पर बांस की जंगल बन गया, और ऐसे ही उनका फास्ट मिशन पूरा हुआ। इसके बाद वो बांस के अलावा भी बहुत सी पौधा लगाया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो जगह छोटे मोटे जंगल बन गए। 30 साल तक वो रोज सुबह जाकर उस टापू पर पौधे लगाते थे। इतने सारे पौधे को पानी देना भी आसान नहीं था। उनका ऐसे लगन और मेहनत को देखकर वन विभाग भी उसे मदद के लिए आते हैं। 16 साल की उम्र में यादव ने जो ऑफर किया था, करीब 20 साल बाद वन विभाग ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। इससे काम और भी जल्दी होने लगा। उन लोगों ने लगभग 200 हेक्टेयर जमीन में पेड़ लगाने में मदद किया, जिससे वो बीरान टापू एक विशाल जंगल में बदल गया। इसी तरह 30 साल तक काम करते हुए यादव ने लगभग 1360 एकड़ का जंगल बना दिया, जो न्यूयॉर्क की सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। उनके नाम पर इस जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है। इस जंगल में लगभग 1000 प्रजाति की जीव रहते हैं। यादव इसी जंगल में अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक कुटिया में रहते हैं। उनके पास करीब 20 गाय हैं और उसका दूध बेचकर वो गुजारा करते हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं, बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी इस जंगल को देखने के लिए आते हैं, और वो लोग भी सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी ऐसा जंगल कैसे बना सकते हैं। यादव को इस महान काम के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। साल 2012 में उन्हें JNU द्वारा सम्मानित किया गया था। 2013 में उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला, और साल 2015 में उसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, जब हम सफलता की कहानी सुनते हैं तब ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात होते हैं, जो गरीबी में पैदा होने के बावजूद आज अरबों डॉलर के मालिक हैं। ये भी सफलता की एक रूप है, और एक रूप ये भी है जो जादव जैसा लोग हासिल किया। आप सोचे कि इतना बड़ा जंगल कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर इसका कीमत पता की जाए तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।